So as today's program is all about the Cancer Welfare Society, they have organized this program for letting people know how important it is to donate blood. Because cancer patient ko aksar blood ka sab zarurat hota hai, time to time. They need in constant need of blood. So we wanted to appeal all the healthy citizens and the youths here to donate blood. So that was the motto, and to let people know about this cancer and all the other things about the blood donation. Public ne wahi message hai ki they should come together here. Dekho hum jaise ki I want to tell you all that hum log ka jo blood bank hai wo hamesha empty rehta hai because our people don't usually go and donate blood. तो हमें क्या करना चाहिए कि वी शुड गो एंड डोनेट ब्लड बिकॉज डोनेटिंग ब्लड इज़ नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर सेविंग अदर्स लाइफ, अपना के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है बिकॉज बाय डोनेटिंग ब्लड आपका अपना हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है. सो आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट ऑल यू सिटीजन्स आउट देयर टू कम फॉरवर्ड एंड डोनेट ब्लड बिकॉज बाय दैट यू विल बी सेविंग अ पर्सनस लाइफ. हम पहले क्या था लेकिन बट नाउ एज आई एम मदर ऑफ टू किड्स एंड मेरा हेमोग्लोबिन थोड़ा कम है सो नाउ इट्स नॉट पॉसिबल बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माय ब्लड. अच्छा एक्चुअली आज का हमारा जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम था सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि दिस प्रोग्राम वॉज स्पॉन्सर्ड बाय PC3 कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ मैं हमारे जो मेरे जो NGO का नाम है साथ ही साथ ये भी बता दूँगा कि अरुणाचल कैंसर हो तो हम लोग कैंसर के पेशेंट के लिए काम करते हैं तो उस इंस्टीट्यूट में जो है कोचिंग लिया जाता है तो हमारे कैंसर पेशेंट के जो बच्चे होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनका एजुकेशन वहाँ पर होता है विथ फूडिंग का साथ. और साथ ही साथ आज का अवेयरनेस प्रोग्राम होने का मतलब वो था कि हमारा मेन कारण वो है कि हम लोग दोईमुख कॉलेज में आए हैं क्योंकि इस कॉलेज में इसलिए कि यहाँ पे यूथ्स है और ये इन लोगों को अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि ब्लड डोनेशन करना है हमें और पेन एंड पैलेटिव केयर क्या होता है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से लोगों को ये पता नहीं कि पेन एंड पैलेटिव केयर क्या है. ये शायद आई थिंक इट्स ए फर्स्ट टाइम इन कॉलेज तो ये अवेयरनेस आज पहली बार हो रहा होगा मेरे ख्याल से क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही कम होते हैं सब अवेयरनेस और ब्लड डोनेशन के बारे भी. तो हम लोग यही अवेयरनेस करके ये चाहते हैं कि कल को जाके ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनर टर्न अप हो और हमारे जितने रिक्वायर्ड पेशेंट हैं उन लोगों को ब्लड ब्लड बैंक के थ्रू आराम से मिल जाए. तो सर आप थोड़ा सा ये पेन एंड पैलेटिव के बारे में पब्लिक को बताइए. अच्छा पेन एंड पैलेटिव ऐसा है कि ये हमारे टर्शियरी केयर में है तो ये TTC ट्रिम्स में है. तो पेन एंड पैलेटिव का मतलब ये होता है कि आप में मेडिकली टर्म में तो मैं काफ़ी टेक्निकली टर्म में नहीं जाऊँगा बट मैं ऊपर से ही बता दूँगा कि जो पेशेंट जो ज़्यादा तकलीफ होता है जिनको दर्द होता है और हम देख नहीं पाते तो मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों को यही अपील करूँगा आप एक बार आइए पेन एंड पैलेटिव में ताकि जो पेशेंट का दर्द रहता है वो कम हो जाए. तो बस इस विषय में मैं यही कह सकूँगा पेन एंड पैलेटिव के बारे में क्योंकि टेक्निकली मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा सकता. ओके थैंक यू.